नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है दोस्तों। उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार अब किसी भी परीक्षाओं में फॉर्म भरने के लिए आपसे शुल्क नहीं मांगेगी दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए अब कोई भी शुल्क नहीं देना होगा दोस्तों। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनका 16 सितंबर 2021 को जन्मदिन था और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। उनमें से एक घोषणा उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए की है दोस्तों। देखिए पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर बेरोजगार युवाओं को दिया तोहफा। देखिए दोस्तों क्या तोहफा दिया है, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, देहरादून उत्तराखंड में अब अगले साल मार्च तक जो भी भर्तियाँ निकलेगी उसमें शुल्क आवेदन नहीं देना होगा। निःशुल्क आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, कोई शुल्क आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया, युवाओं से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को अपने जन्मदिन पर बेरोजगारों को यह तोहफा दिया है। देखिए आगे लिखा गया, बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने बच्चों को अपने जन्मदिन केक काट कर मनाया। उन्होंने आश्रम में पौधारोपण किया, मिष्ठान वितरण किया। इस खास मौके मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चूंकि कोविड-19 की वजह से वर्ष 2020-21 और 2021-22 में रोजगार व अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लिहाजा अब मार्च 2022 तक, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मार्च 2022 तक प्रदेश में जो भी भर्तियां होंगी उनमें आवेदन से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने उनकी यह घोषणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के साथ राज्य के अन्य चयन करने वाली संस्थाओं पर लागू होगी दोस्तों। देखिए जितनी भी संस्थाएं उत्तराखंड में हमारे पेपर कंडक्ट कराते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन वे संस्थाएं अब कोई भी आपसे शुल्क नहीं लेगी फॉर्म के लिए दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 2022 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर देखिए, यानी इन सभी संस्थाओं के माध्यम से अब जो भी भर्तियां निकलेगी उनमें युवाओं को कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बाल वनिता आश्रम के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें, वह देश का भविष्य है। वह जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे वहां नाम कमाएंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक ने काफ़ी जो हमारे नेता है कैबिनेट मंत्री वे शामिल रहे दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक और बहुत कड़ी बड़ी खबर लिखी हुई है दोस्तों। देखिए दिसंबर तक 22,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य दोस्तों, 22,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। देखिए मैं यहाँ पर लिखा पता, देखिए पढ़ सकते हैं, सरकार का दिसंबर तक 22,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य है। पद लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, प्राविधिक शिक्षा परिषद और उत्तराखंड शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों के लिए कई लाख आवेदन आने वाले हैं। एक एक उम्मीदवार कई कई भर्तियों के लिए किस्मत आजमाएंगे। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कि शुल्क माफ की घोषणा से लाखों बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22,000 पदों पर बहुत जल्द भर्ती होने वाली है 2021 से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करनी होगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।